शेर और डायनासोर की लड़ाई। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर डायनासोर राज करते थे। उनके विशाल शरीर और ताकत के कारण वे जंगल के राजा थे। लेकिन एक दिन एक नए राजा का आगमन हुआ, एक बलशाली शेर। उस शेर का नाम था राजा। राजा अपने जोरदार गर्जना के लिए जाना जाता था और उसे अपने राज्य का इतना गर्व था कि वह सोचता था कि वह जंगल में सबसे शक्तिशाली प्राणी है। एक दिन राजा शेर जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक विशाल डायनासोर दिखाई दिया। यह डायनासोर एक बेहद भयानक प्रजाति था, जिसका नाम था टी-रेक्स। टी-रेक्स भी जंगल का मालिक होना चाहता था और उसने शेर को चुनौती दी। तुम कौन हो शेर? टी-रेक्स ने गरजते हुए कहा, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? राजा शेर ने गर्व से कहा, मैंने तुमसे पहले और भी कई जानवरों को हराया है। तुम मुझसे लड़ने की कोशिश करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जंगल में असली ताकत किसके पास है। दोनों प्राणियों के बीच एक महासमर की स्थिति बन गई। जंगल के सभी जानवर दौड़कर उस स्थान पर इकट्ठा हो गए। सभी उनकी लड़ाई देखने के लिए उत्सुक थे। टी-रेक्स ने अपने विशाल दांतों को दिखाते हुए शेर पर हमला किया, लेकिन राजा शेर ने अपनी तेज गति से खुद को बचाते हुए एक जबरदस्त काटने के लिए। शेर की कुशलता ने टी-रेक्स को चौंका दिया, लेकिन टी-रेक्स ने भी अपनी ताकत से शेर को धक्का दे दिया। लड़ाई जारी रही। शेर ने अपने पंजों से डायनासोर के पैरों पर वार किया, लेकिन डायनासोर इतने बड़े और मजबूत थे कि वह आसानी से गिर नहीं सकता था। टी-रेक्स ने अपने लंबे पैर से शेर को लात मारने की कोशिश की, लेकिन शेर की फुर्ती ने उसे एक बार फिर निराश कर दिया। यह संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। दोनों ही प्राणी थक गए थे, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। तभी अचानक जंगल में एक दैत्याकार तूफान आया, जिसने लड़ाई के मैदान को और भी भयानक बना दिया। जंगल के जानवर डर गए और सभी भागने लगे। इस स्थिति से बचने के लिए राजा शेर और टी-रेक्स ने समझा कि इस लड़ाई का कोई तुक नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपने अपने दायित्वों और ताकतों का सम्मान किया। हम दोनों ही शक्तिशाली हैं, शेर ने कहा, क्यों ना हम इस लड़ाई को छोड़कर मिलकर अपने जंगल को सुरक्षित करें। टी-रेक्स ने सिर हिलाया और कहा, हाँ यह सही है, एक साथ हम कई खतरों का सामना कर सकते हैं। इस तरह शेर और डायनासोर ने बड़े दुश्मन बनकर एक दूसरे का सम्मान करना सीखा। जंगल के अन्य जानवर भी अब आसानी से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे, क्योंकि उनके नए राजाओं के बीच मित्रता हो गई थी। और इसी तरह जंगल में शेर और डायनासोर ने न केवल अपनी लड़ाई को खत्म किया, बल्कि एक नई शांति की शुरुआत की।